डी ए स्टूडेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिगार्डिंग जनरल एंड स्पेसिफिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट हैं वो ह्यूमन अस्पेक्ट हैं ह्यूमन अस्पेक्ट में पीपल वेरिएबल्स हैं पीपल वेरिएबल मीन जो इम्प्लाई काम कर रहे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे दीपल आर ऑपरेटेड वेरिएबल एसोसिएटेड विद सिस्टम आर कम्पोज ऑफ द ह्यूमन फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दॉब्लम्स दिस इंक्ल्यूड फिजियोलॉजिकल डिडमेंशनस कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जो माइंड रिलेटेड है फिजिजिकल स्ट्रेस मीन जो फिजिकल स्ट्रेस हम एम्प्लाई को देते हैं तो ये दोनों आस्पेक्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंस है और इन दोनों की स्टडी पीपल वेरिएबल्स के अंडर हम लोग करेंगे एंथ्रोपोमेट्री एंथ्रोपोमेट्री को अगर देखा जाए तो इज़ अ मेजरमेंट एंड क्लेक्शन ऑफ द फिजिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के जो हमारे ऑर्गन हैं इनकी जो फिजिकल डायमेंशनज हैं कि किस तरह के आपके नक्श हैं किस तरह के आपके होंठ हैं नाक है कान है हैंड्स हैं फिजिकल डायमेंशन उसको हम देखते हुए ह्यूमन बॉडी के तमाम एस्पेक्ट्स को जब स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं इट इज़ यूज टू इम्प्रूव ह्यूमन फिट इन वर्क प्लेस आर टू डिमन प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग बिटवीन फैसिलिटेटर एंड एकवमेंट एंड द इम्प्लाइज यूजिंग दैम इन सब चीज़ों को डी स्टूडेंट बताने का एक मकसद है कि जब भी आप लोग किसी मशीन के ऊपर काम करें एज ऑपरेटर तो अगर एक बंदा फिजिकली फिट नहीं है तो चांसेस है कि वहाँ पे नुकसान हो सकता है चांसेस है कि आप उस मशीन से डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते चांसेस है कि आप लोगों ने जो आउटकम अचीव करनी थी उसको अचीव नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जब इम्प्लॉज अपॉइंट होता है तो उसका फ़िज़िकल चेकअप फिज़िकल मेडिकल होता है वो मेडिकल चेकअप में हम उसके जो बेसिकली ब्लड के ज़रिए यूरन के ज़रिए टेस्ट लेते हैं वो कोई डिज़ीज़ तो उसको लाख नहीं है और नंबर टू फिजिकली भी उसको चेक किया जाता है कि वो तो बंदा फिजिकली तमाम पार्ट्स ऑर्गन ऑफ बॉडी उसके ठीक काम कर रहे हैं फिर वो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल वे में काम कर सकता है इसको हम लोग एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं बायोमकैनिक्स मकैनिक्स इज द साइंस ऑफ मोशन एंड फोर्स मोशन फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं मकैनिक्स अब बायो मैकेनिक्स इज ह्यूमन इक्वलेंट ऑफ दिस कन्सैप्ट अब जो ह्यूमन इक्वलेंट ऑफ दिस कन्सेप्ट है इसमें ह्यूमन इन्वालमेंट आ गई कि इंसान की मूवमेंट इंसान की मोशन इंसान का अमल दखल इंसान की वजह से एफर्ट ये बायो मकैनिक्स का हिस्सा होगी इट इज़ द स्टडी ऑफ मकैनिकल ऑपरेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कि मकैनिकली इंसानी जिसम कैसे काम करता है अब मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ यह मकैनिकली मूवमेंट्स है अगर मैं ऐसे देखता हूँ या राइट या लेफ्ट देखता हूँ तो ये मकैनिकल मूवमेंट्स है इसको हम लोग बायो में स्टडी कर सकते हैं इन बायो मकैनिक्स द फंक्शंस ऑफ द बॉडी कम्पोन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी स्टूडेंट द फंक्शंस ऑफ बॉडी कम्पोन इज मोनीटर्ड एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स आर मोडिफाइड टू लोअर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस मकसद क्या है इंटरनल विद इन बॉडी और एक्सटर्नल जो बाहर से लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उसको कम से कम किया जाए ताकि आपकी बॉडी मकैनिक्स जो है बायो मकैनिक्स को ठीक तरह से काम कर सके Postures एंड पोजिशन बायो में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपके जेस्चर पोस्चर और पोजिशन है जो मूवमेंट्स है बॉडी मूवमेंट्स जो आप राइट right साइड पे मूव करें लेफ्ट साइड पे मूव करें फॉरवर्ड मूव करें या बैकवर्ड मूव करें ये चारों चीज़ें बायो का हिस्सा होती हैं दीज देर आर टू डिफरेंट सिस्टम्स यूज टू क्लासीफाई एंड अवेल्यूट बॉडी मूवमेंट्स अब वो दो सिस्टम कौन से हैं नंबर वन फिजिजिकल नंबर टू ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि ये कैसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एग्जामिन करते हैं द वे बॉडी पार्ट्स मूव ये मेरे हैंड्स की मूवमेंट हो रही है कि किस तरह कैसे एक नॉर्मल बंदा बिहेव करता है नॉर्मल बंदा अपने मूवमेंट्स बॉडी को देखता है ऑब्जर्व करता है या पार्ट्स के ऊपर किस तरह उसका कंट्रोल होता है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खारिश कर रहा हूँ अब ये एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिसकी स्पेसिफिक मूवमेंट है अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपका अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पे कंट्रोल है कि नहीं इस चीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर टू ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं ग्रुप बॉडी मूवमेंट्स बाय द पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म आई एम टाइपिंग फसकर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो टाइपिंग के लिए मेरी स्पेसिफिकल पार्ट एंड स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट मेरे पूरे जिसम में से मेरी आइज फोकस और उसके अलावा फिंगर की मूवमेंट्स क्या ये ठीक है एकोरेट है काम सही परफॉर्म कर रही है इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो इसके साथ ही डी स्टूडेंट पास्चर एंड पोजिशन में जो दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है उसमें एक फिजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें आपकी ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स की बात करेंगे और ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे जिसमें पार्ट्स या बॉडी की स्पेसिफिक मूवमेंट को देखेंगे अगर ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में जो हैजर्ड्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं और ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम कर रही हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी